Hello students, how are you? Today we are doing the activity of vegetables. Okay, आज हम real vegetables देखेंगे. First we will do prayer. All of you join your hands and close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shakshat Parabrahma. तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रिंजल. बी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल. ओके, बी आर आई आ सॉरी बी आर आई एन जे ए एल, ब्रिंजल. दिस इज अ ब्रिंजल. इट इज पर्पल स्किन. इट इज व्हाइट इन साइड. ब्रिंजल का बाहर कौन सा कलर है? पर्पल. और अंदर व्हाइट कलर होता है. इट कैन बी ईटन विद इट्स स्किन. उसको उसकी स्किन के साथ खाया जा सकता है. इट इज स्मूथ इन टेक्सचर. उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ होता है. ब्रिंजल्स कैन बी यूज इन मेकिंग वेजिटेबल्स सब्जी प्रिपरेशन. इट कैन नॉट बी ईटन रो. कच्चा ब्रिंजल हम नहीं खा सकते. इट ग्रोज ऑन प्लांट्स. वो प्लांट्स में उगता है. इट एज सीड्स. ब्रिंजल के अंदर वाइट कलर के बीज होते हैं. इट इज अवेलेबल इन मोस्ट सीजन. सारी सीजन में ब्रिंजल अवेलेबल है. वी कैन ईट द सीड्स ऑफ अ ब्रिंजल. ओके, हम ब्रिंजल को सीड्स के साथ खाते हैं. दिस इज अ बीटर गार्ड, यानी करेला. इट इज ग्रीन ऑन द आउटसाइड. बाहर उसका कलर ग्रीन है. इट इज व्हाइट इन साइड. अंदर उसका कलर व्हाइट होता है. इट इज रफ इन टेक्सचर. उसका जो टेक्सचर है वो रफ होता है. टच करने में रफ लगता है. बीटर गार्ड्स कैन बी यूज इन मेकिंग वेजिटेबल सब्जी प्रिपरेशन. करेले की सब्जी बनती है. इट इज बीटर टू टेस्ट. उसका जो टेस्ट है वो एकदम कड़वा होता है. इट कैन नॉट बी ईटन रो. ये कच्चा करेला हम खा नहीं सकते. उसको पका के ही खा सकते हैं. इट ग्रोज ऑन क्लिम्बर्स. यानी वो ऊपर ऊपर जो प्लांट उगता है लंबा लंबा, उसके ऊपर उगता है. इट हैज सीड्स. उसको भी अंदर बीज होते हैं. इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट सीजन. सारी सीजन में आता है. वी कैन नॉट ईट द सीड्स ऑफ अ बिटर गार्ड. उसके अंदर जो सीड्स यानी जो बीज होते हैं उसको हम खा नहीं सकते. उसके बीज निकाल देते हैं फिर उसकी सब्जी बनाते हैं. ओके, वॉट इज दिस? दिस इज टोमेटो. वॉट इज द कलर ऑफ टोमेटो? टोमेटो इज रेड. वॉट इज द टेस्ट ऑफ टोमेटो? द टेस्ट ऑफ टोमेटो इज शार्प. यानी टोमेटो का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है. और टोमेटो के अंदर भी सीड्स होते हैं. उसको हम सीड्स के साथ खाते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कुकुम्बर. इट इज लाइट डार्क ग्रीन स्किन. उसको लाइट और डार्क कलर के ग्रीन कलर की स्किन है. इट इज़ व्हाइट एंड ग्रीन इन साइड. उसका जो अंदर कलर होता है वो व्हाइट और ग्रीन होता है. इट कैन नॉट बी ईटन विद इट्स स्किन. उसको स्किन के साथ नहीं खाया जा सकता. और कोई कोई लोग उसको स्किन के साथ भी खाते हैं. इट इज स्मूथ इन टेक्सचर. उसका जो टच है एकदम स्मूथ होता है. कुकुम्बर्स कैन बी यूज इन मेकिंग सलाड, सैंडविच एक्सेट्रा. कुकुम्बर हम सलाड बनाने में और सैंडविच बनाने में यूज करते हैं. इट कैन बी ईटन रो. उसको हम कच्चा खाते हैं. इट ग्रोज ऑन क्लिम्बर्स. कुकुम्बर जो है वो क्लिम्बर्स यानी ऊपर ऊपर उगता है. इट हैज सीड्स. उसको भी अंदर बीज होते हैं. इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट सीजन. सारी सीजन में कुकुम्बर बाजार में मिलता है. वी कैन ईट द सीड्स ऑफ कुकुम्बर. हम कुकुम्बर के बीज भी खाते हैं.
दिस इज अ बोटल कॉर्न यानी लौकी. इट हैज लाइट ग्रीन स्किन, उसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर है. इट इज वाइट इनसाइड, अंदर उसकी स्किन वाइट कलर होती है. इट कैन नॉट बी ईटन विद इट स्किन, उसको स्किन के साथ नहीं खाया जा सकता, नहीं खाते. पहले उसकी छाल निकाल देते हैं फिर हम खाते हैं. इट इज स्मूथ इन टेक्सचर, उसका जो टच है एकदम स्मूथ है. बोटल कॉर्न्स कैन बी यूज इन मेकिंग वेजिटेबल्स प्रिपेरेशन, सूप एंड स्वीट डिशेज, दूधी का हलवा. ये लौकी जो है उसको हम सब्जी बनाते हैं, सूप बनाते हैं और दूधी का हलवा भी बनाते हैं. इट कैन नॉट बी ईटन रॉ, उसको हम कच्ची नहीं खाते. इट ग्रोज ऑन क्लिम्बर्स, वो भी ऊपर ऊपर झाड़ में उगती है. इट हैज सीड्स, उसके अंदर भी बीज होते हैं. इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट सीजन, सारी सीजन में लौकी अवेलेबल है. वी कैन ईट द सीड्स ऑफ अ बोटल कॉर्न, उसको हम बीज के साथ खाते हैं. दिस इज लॉन्ग बीन्स यानी चोरी. दे आर ग्रीन ऑन द आउटसाइड, उसका जो बाहर कलर है वो ग्रीन कलर है. दे आर ग्रीन इनसाइड, अंदर भी उसका ग्रीन कलर होता है. दे हैव बीन्स इनसाइड, उसके अंदर भी बीज होते हैं छोटे छोटे. दे आर स्मूथ इन टेक्स्चर, दे आर स्मूथ टू टच, उसका टच जो है वो एकदम स्मूथ यानी लिसा होता है. लॉन्ग बीन्स कैन बी यूज इन मेकिंग वेजिटेबल सब्जी प्रिपरेशन, ये जो चोरी है उसकी मम्मा क्या बनाती है, सब्जी बनाती है. दे कैन नॉट बी ईटन रॉ, चोरी को हम कच्ची नहीं खा सकते. पहले उसको पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर हम खाते हैं. दे ग्रो ऑन क्लिम्बर्स, चोरी जो है वो ऊपर पेड़ों पे उगती है. दे आर अवेलेबल इन मोस्ट सीजन्स, सारी सीजन में चोरी का जो वेजिटेबल्स है वो मिलता है. वी कैन ईट द सीड्स ऑफ लॉन्ग बीन्स, उसको हम बीज के साथ खा सकते हैं. दिस इज अ कैबेज, इट इज़ अ लीफी वेजिटेबल्स. कैबेज जो है उसको बहुत सारे पत्ते होते हैं. इट हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ लेवल्स, उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं पत्ते के. इट इज़ ग्रीन आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड, बाहर उसका कलर ग्रीन होता है और अंदर उसका कलर वाइट होता है. इट्स लीव्स आर कुक्ड एंड ईटन, उसके जो पत्ते हैं उसको हम सब्जी बनाते हैं छोटे छोटे पीस करके. कैबेजेस कैन बी यूज इन मेकिंग वेजिटेबल सब्जी प्रिपरेशन, सलाड्स एंड पराठास, कैबेज का हम पराठा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और सलाड बनाते हैं. इट कैन बी ईटन रो, कैबेज को हम कच्चा भी खा सकते हैं. इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, कैबेज जो है वो ग्राउंड के अंदर जमीन में उगता है. इट हैज नो सीड्स, कैबेज के अंदर बीज नहीं है. इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट सीजन, सारी सीजन में कैबेज मिलता है. वी कैन प्रिजर्व कैबेज बाय मेकिंग पिकल्स, इट इज ब्लेंड टू टेस्ट. दिस इज अ कैरट यानी गाजर, इट हैज ऑरेंज रेड स्किन, उसकी जो स्किन है बाहर ऑरेंज और रेड है. इट हैज ऑरेंज रेड इनसाइड, अंदर भी उसकी स्किन ऑरेंज और रेड होती है. इट कैन बी ईटन विद इट स्किन, उसको स्किन के साथ भी खा सकते हैं. इट इज रफ टू टच, उसका टच एकदम रफ है. कैरेट्स कैन बी यूज इन मेकिंग वेजिटेबल सलाड, स्वीट डिशेज, गाजर का हलवा, जूसेस एक्सेट्रा. कैरेट में से सब्जी बनती है, सलाड बनता है, गाजर का हलवा बनता है और जूसेस बनता है. इट इज स्वीट टू टेस्ट, उसका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है. इट कैन बी ईटन रॉ, उसको हम कच्चा भी खा सकते हैं. इट ग्रोज अंडरग्राउंड, ये जमीन के अंदर उगता है. इट हैज नो सीड्स, उसके अंदर बीज नहीं होते. इट इज अवेलेबल इन मोस्ट सीजन, सारी सीजन में कैरट मिलता है. वी कैन प्रिजर्व कैरट्स बाय मेकिंग पिकल्स, पिकल्स यानी अचार में भी कैरट का यूज करते हैं. दिस इज एन ऑनियन, ये क्या है, प्याज. इट हैज अ येलो ब्राउन और पिंकिश पर्पल स्किन, उसकी जो स्किन है बाहर येलो लाइट ग्रीन और पर्पल कलर की पिंकिश स्किन होती है. इट इज़ लाइट पर्पल वाइट इनसाइड, उसका जो अंदर कलर है वो एकदम वाइट होता है. इट कैन नॉट बी ईटन विद इट स्किन, उसको स्किन के साथ हम नहीं खाते हैं.
इट कैन नॉट बी ईटन विथ इट्स स्किन, उसको हम स्किन के साथ नहीं खाते हैं। इट इज़ स्मूथ इन टेक्स्चर, उसका जो टच है एकदम लिसा होता है। ऑनियंस कैन बी यूज इन मेकिंग वेजिटेबल्स, सब्जी प्रिपेरेशन, सलाड, सैंडविच एक्सेट्रा। प्याज जो है उसकी हम सब्जी बनाते हैं, सलाड बनाते हैं और सैंडविच बनाने में भी हम उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ स्पाइसी टू टेस्ट व्हेन रो, जब ये कच्ची होती है तब उसका टेस्ट एकदम स्पाइसी होता है, तीखा होता है। इट इज़ अ जूसी वेजिटेबल, ये जो है एकदम रसदार सब्जी है। इट ग्रोज अंडरग्राउंड, ये प्याज जमीन के अंदर उगती है। इट हैज़ नो सीड्स, प्याज को बीज नहीं होते। इट इज़ अवेलेबल इन ऑल सीजन, सारी सीजन में प्याज बाजार में मिलती है। ओके okay?